अब बात सेना के उस प्रस्ताव पर जो अगर अमल में लाया गया तो आम लोग भी सेना में जा सकेंगे। ये 3 साल की इंटर्नशिप होगी, लेकिन इसमें वर्दी भी होगी, रैंक भी होगी, जवान भी भर्ती किए जाएंगे और अफसर भी, और पैसा भी मिलेगा। अभी ये प्रस्ताव है, लेकिन काफ़ी कुछ है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। मिसाल के लिए, एक ही साथ सेना, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और बेरोजगारी का जिक्र। ललन टॉप का ये हिस्सा इसी विचार के लिए खोज परख की काम करेगा। पहले समझिए कि प्रस्ताव क्या है। ये खबर बाहर आई सेना के एक इंटरनल नोट के जरिए। सेना में अलग अलग तरह की नीतियों के लिए विभागीय पत्राचार चलता रहता है, वैसा ही एक नोट ये भी है। अभी ये फुल फ्लेज्ड फैसला नहीं है। जितनी जानकारी मीडिया में सामने आई है उसके मुताबिक सेना के नोट में इस 3 साल की इंटर्नशिप को कहा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी। ये उन युवाओं के लिए होगा जो सेना को अपना स्थायी पेशा नहीं बनाना चाहते, लेकिन पेशेवर फौज वाला थ्रिल और एडवेंचर महसूस करना चाहते हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या है, राष्ट्रवाद और देशभक्त की भावना एक बार फिर बढ़ रही है। ये नोट की भाषा है, हमारी नहीं। लेकिन ये प्रस्ताव कॉरपोरेट नौकरी की बोरियत दूर करने से कहीं आगे की बात करता है। ये नोट भारत में सैन्य सेवा के तरीके को बदलने के बारे में है। फिलहाल सेना में पूरा जोर कमिटमेंट पर है। अगर आप सेना की सुविधाएं और पेंशन चाहते हैं तो आपको एक तय समय सीमा तक सेवा देनी होती है। मिसाल के लिए, जवानों को पेंशन तब मिलती है जब वो कम से कम 17 साल सेवा दें। टूर ऑफ ड्यूटी वाला नोट इस अनिवार्य सेवा के सिद्धांत से इंटर्नशिप या स्थायी सेवा के सिद्धांत की तरफ जाने की बात करता है। इस दौरान वेतन मिलेगा, लेकिन पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं, और यही इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा है। पेंशन तो अच्छी चीज है, फिर दिक्कत क्या है? सेना एक खतरनाक पेशा है, जान जाने का जोखिम है। फिर फौज को युवा बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक और अफसर जल्दी रिटायर कर दिए जाते हैं। आपने कर्नल थ्रेशहोल्ड सुना होगा। दरअसल सेना में स्थायी कमीशन लेने वाले अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद ज्यादातर अफसरों को रिटायर कर दिया जाता है और चुनिंदा अफसरों को उच्च पदों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही जवानों के साथ भी होता है, और इसीलिए पेंशन दी जाती है ताकि कम उम्र में रिटायर होने वाले लोगों के पास आय का कुछ जरिया हो। लेकिन पेंशन सेना के बजट पर बहुत बोझ डालती है, खासकर वन रैंक वन पेंशन के नियम के आने के बाद से। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। भारत के पास अभी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब जितने जवान और अफसर इंडियन आर्मी के पास हैं उतने किसी के पास नहीं। इसका एक अनचाहा असर ये होता है कि सेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा तनख्वाह देने और जो पुराने सैनिक और अफसर रहे उनकी पेंशन पर खर्च होता है। ये खर्च कितना है इसे समझिए। 10 साल में तीनों सेनाओं का जो पेंशन बजट है वो 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 2005-06 में पेंशन पर 12,715 करोड़ रुपये खर्च होते थे, 2020-21 में इसके लिए 1,33,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सेनाओं में आधुनिक साजो सामान की खरीद के लिए पैसा रक्षा मंत्रालय के कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आता है। इस साल का पेंशन बजट इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुल रकम से भी 15,291 करोड़ ज्यादा है। तनख्वाह पर खर्च अलग, मतलब जितना पैसा हम आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हो रहा है। रक्षा आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर भी फूंक फूंक कर ही खर्च करना चाहती है, इसलिए तीनों सेनाएं धीमे धीमे पेंशन और तनख्वाह पर हो रहा खर्च घटाने में लगी हैं। इसके लिए सेना आधुनिकीकरण भी कर रही है, कई गैर जरूरी विभाग भी खत्म कर रही है, और अब एक ये नया प्रस्ताव भी सामने आया है। थल सेना में चूंकि सबसे ज्यादा लोग हैं, बजट कम करने का दबाव भी इस पर ही सबसे ज्यादा है, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा प्रस्ताव थल सेना के लिए पहले सर्कुलेट हो रहा है। इसमें बताया गया कि 17 साल सेवा करने वाले एक जवान की जगह अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाले सैनिक को लगाया जाए तो 11.5 करोड़ की बचत होगी। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की तरह है, इसमें पेंशन नहीं होगी। सेना के नोट में यह भी लिखा है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी से युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होगा, सैनिक ट्रेनिंग और तौर तरीकों से आबादी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इंटर्नशिप के बाद पेंशन नहीं होगी, लेकिन सरकारी नौकरी वगैरह में योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। फिर कॉरपोरेट सेक्टर भी टीम वर्क और लीडरशिप स्किल सीख चुके युवाओं को अपने यहाँ नौकरियों में प्राथमिकता देगा। लेकिन जितना गणित इस प्रस्ताव में समझाया गया है उससे यही लगता है कि ये प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं को थ्रिल और सेना के एडवेंचर से रूबरू कराने से ज़्यादा पैसे बचाने के बारे में भी है। क्या ये सेना की क्षमता पर असर डालेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सेना से रिटायर्ड अधिकारियों की राय इस पर बटी है। एक मत कहता है कि देश के युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का ये तरीका है। इसके समर्थन में दुनिया के दूसरे देशों का भी हवाला दिया जाता है, जहां सिविलियंस को फौज में लिया जाता है और कोई बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन दूसरा मत रखने वाले अधिकारी हतप्रभ हैं। उनका कहना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बनाए रखना जरूरी है, तभी सेना अपना काम ठीक से कर पाएगी।
सिविलियंस को सेना में लेने का विचार विचार के स्तर पर नया नहीं है। भारत में टेरिटोरियल आर्मी जैसी व्यवस्था है जिसमें आम लोग हर साल कुछ वक्त वर्दी में सेवाएं देते हैं ताकि आपात स्थिति में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बन सकें। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों ने इसी रास्ते टेरिटोरियल आर्मी की वर्दी पहनी। फिर एक उदाहरण इसराइल का है जहां 18 साल की उम्र के बाद 2 साल 8 महीने की अनिवार्य सेवा फौज में देनी होती है। अमेरिका में भी अनिवार्य सेवा का नियम समय समय पर इस्तेमाल में लाया गया है, मिसाल के लिए पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर और वियतनाम की लड़ाई के दौरान। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद, उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित टूर ऑफ ड्यूटी सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये कंपलसरी नहीं होगा, लोग अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकेंगे। भर्ती की शर्तों और ट्रेनिंग में भी कोई रियायत नहीं होगी। अब आते हैं बेरोजगारी, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के जिक्र पर। ये तर्क कुछ बेढंगा लगता है। पूरी दुनिया में देश युवाओं को सेना की तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोग फौज में जाना नहीं चाहते, वहां इस तरह की बातें होती हैं। पर भारत में सेना आज भी एक भरोसेमंद पेशा है, जाना चाहते हैं लोग। आप भर्ती की रैलियों में उमड़ती भीड़ देखिए, लगातार अफसरों के सिलेक्शन के लिए होने वाले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आने वाले एप्लीकेशंस को देखिए। हमारे यहाँ ये दिक्कत नहीं कि लोग सेना में नहीं जाना चाहते, सेना में मिलने वाली तनख्वाहें और सुविधाएं दूसरे पेशों के मुकाबले बेहतर है। दूसरे पेशों में सरकारी नौकरियां घट रही हैं, निजी नौकरियां ज़्यादा हैं, लेकिन वहां काम करते आदमी की क्या स्थिति है हम और आप जानते हैं। तो लोग सेना की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ऐसे में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जिक्र कई लोगों को लगता है कि मुद्दे को फैलाने की कोशिश है। लोग ये भी कहते हैं कि जो सुबह सवेरे झाड़ू लगाता है, जो आपको खबर देता है, जो आपकी रखवाली करता है, जो आपको सब्जी देता है, जो दफ्तरों में काम करता है, हर वो व्यक्ति देशभक्त है। देशभक्ति को किसी एक खास पेशे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। फिर कई बार ये भी होता है कि देशभक्ति के शब्द को एक पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट करने की कोशिश की जाती है, इसके पक्ष विपक्ष में खेमे बन जाते हैं। टिप्पणीकारों का कहना है फौज का पूरा जोर ट्रेनिंग और अनुशासन पर होता है, उसी पर रहे। कुल जमाने छोड़िए कि ये प्रस्ताव युवाओं को सेना की तरफ खींचने से ज्यादा उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जरूरत है लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं, इसलिए इंटर्नशिप कीजिए। आप भी खुश, हम भी खुश, आपके लिए भी नया अनुभव, नया मौका और भविष्य के लिए संभावनाएं, और हमारी भी तात्कालिक जरूरतें पूरी होंगी। फिलहाल ये एक प्रस्ताव है, पहले ट्रायल होगा, इंटर्न्स की एक छोटी संख्या के नतीजे देखे जाएंगे, उसके बाद कोई स्थायी फैसला होगा। आपको अपना व्यक्तिगत मत बताऊं, मुझे लंबे समय से लगता है कि भारत जैसे देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। आप सोचिए, हमारे गांव की कस्बों की जो लड़कियां हैं वो हाई स्कूल इंटर के बाद 1 साल 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करें, ऐच्छिक करें, कंपलसरी करें, सरकार और समाज को तय करना है, तो वो लड़कियां वहां से कितनी मजबूत होकर निकलेंगी, वो अपनी रक्षा करेंगी, अपनी सेहत पर ध्यान देंगी, वो उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, वो देश देखेंगी, दुनिया देखने की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा होगी, वो आत्मविश्वास से भरेंगी। इसलिए इस तरह के विचारों पर बहुत खुले मन से चर्चा होनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे।